आंदोलन करने की हिम्मत मुझमें है। मैं 1980 से आंदोलन कर रहा हूँ। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जितेंद्र वार्ड ने कहा कि मैं सन 1980 से आंदोलन कर रहा हूं, जिस तरीके से मुझ पर आरोप लग रहा है कि शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद जयंत पाटिल और मैंने मिलकर मीटिंग की थी, उसके बाद महाराष्ट्र में सभी जगह पर आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन मेरी और जयंत पाटिल की कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। शरद पवार ने कहा कि जब इस्तीफा दिया तो सबसे पहले मैंने ही आंदोलन किया था। अवहार्ड को आंदोलन करते हुए 43 साल हो गए हैं। सबसे पहला आंदोलन मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी पर किया था और आंदोलन करने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक जितने भी आंदोलन किया है वो अपने खुद के बदौलत किया है, ना कि किसी दूसरे को पूछकर किया है। आंदोलनकारी अवहार्ड ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं, क्योंकि बिना अजीत पवार को शरद पवार के नाम लिए बगैर कोई उनको पूछेगा तक नहीं, इसलिए लगातार शरद पवार के ऊपर अजीत पवार गुट के नेता आरोप कर रहे हैं। शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया था उस दौरान आपकी और जयंत पाटिल की मुलाकात हुई थी और इसके बाद ही महाराष्ट्र में सभी जगह बात करके ही तुम्हारी राजनीति चलती है। और मैं जब आंदोलन करता हूँ मैं करता हूँ, मुझे ना तो जयंत पाटिल कभी बोले ना शरद पवार कभी। आंदोलन करने की हिम्मत मुझमें है और मैं आज से आंदोलन नहीं कर रहा, मैं 1980 से आंदोलन कर रहा हूँ। 1980 तो समझ लीजिए कि मेरे को आंदोलन करते करते 43 साल हो गए। 43 साल जब मैंने पहला आंदोलन किया था वो मुंबई यूनिवर्सिटी के खिलाफ फिराइज का किया था, जब मैं किसी सियासती पार्टी में नहीं था। सर अजीत पवार जब से सत्ता में स्थापित हुए उसके बाद लगातार शरद पवार के ऊपर आरोप, उनके अनेक मंत्री भी शरद पवार के ऊपर लगातार आरोप कर रहे, क्या वजह है शरद पवार के लगातार आरोप? ऐसा है कि लोग भूल जाते हैं, आजकल लोग एहसान फरामोश है, क्या कर सकते हैं उसको, दुनिया नियत पहचानती है।